Students, welcome in the lecture on reaction mechanism of octahedral complexes तो आपका स्वागत है बच्चों इस रिएक्शन मैकेनिज्म के लेक्चर में जहां पर हम ऑक्टा हिट्रल की रिएक्शन मैकेनिज्म को पढ़ेंगे और स्पेशली इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एनेशन रिएक्शन के बारे में इससे पहले के जो लेक्चर्स थे उसमें हमने डिस्कस किया था हाइड्रोलिसिस के बारे में जहां पर हमने एसिड हाइड्रोलिसिस और बेस हाइड्रोलिसिस को डिटेल में डिस्कस किया था और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एनेशन रिएक्शन ऑफ ऑक्टाहीटल कॉम्प्लेक्सेस तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि एनेशन रिएक्शन हम कहते किसे Okay. तो अगर आप देखेंगे कि एनेशन रिएक्शन हम किसे कहते हैं एनेशन मीन्स सब्स्टिट्यूशन ऑफ वाटर बाय एन एनायन इन अ कोर्डिनेशन स्फेयर तो जो वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन स्फेयर में प्रेजेंट है इस कॉम्प्लेक्स के उसका रिप्लेसमेंट एक एनायनिक लिगेंड से जब होता है तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं एनेशियन रिएक्शन एनेशियन रिएक्शन में आप देख रहे हैं स्पेशली जो कोऑर्डिनेटेड वॉटर मॉलिक्यूल है वो कोऑर्डिनेटेड वॉटर मॉलिक्यूल रिप्लेस करता है एक एनाइनिक लिगेंड को तो हम कहेंगे कि रिप्लेसमेंट ऑफ लिगेंड वॉटर जो लिगेंड वॉटर है उसका रिप्लेसमेंट वो कहलाता है एनेशियन रिएक्शन और जो एनेशियन रिएक्शन है जनरली इट इज रिवर्स ऑफ एक्वेशन यानी जो एसिड हाइड्रोलिस रिएक्शन हमने इससे पहले पढ़ी हैं उसका जो रिवर्स रिएक्शन है वो एनेशियन रिएक्शन कहलाता है जरूरी नहीं है कि ये रिएक्शन रिवर्स हो लेकिन हम ये कह सकते हैं कि उसके अपोजिट जो रिएक्शन है अगर हम ये रिएक्शन को और इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन एच टू के साथ करें तो आप देखेंगे जो एनाइनिक लिगेंड है वो कोऑर्डिनेशन में है तो जो एनाइनिक लिगेंड जो कोऑर्डिनेशन में है यानी जो जो कोऑर्डिनेटेड लिगेंड है उसका रिप्लेसमेंट जब एक्वस जो मॉलिक्यूल है उसके साथ होता है एक्वा के साथ होता है तो उसको हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं तो अगर आप देखेंगे ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन क्या है ये रिएक्शन है एक्वेशन और एसिड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन जहां पर जो एनाइनिक लिगेंड है उसका डिस्प्लेसमेंट किससे होता है वॉटर मॉलिक्यूल से जबकि एनेशन रिएक्शन में क्या होता है जो वॉटर मॉलिक्यूल है जो जो कॉर्डिनेटेड वाटर मॉलिक्यूल है उसका रिप्लेसमेंट किससे होता है एनाइनिक लिगेंड से तो यहां पर एनाइनिक लिगेंड जो है वो कॉर्डिनेटेड है यहां पर वॉटर मॉलिक्यूल कॉर्डिनेटेड है तो ये जो रिएक्शन है एसिड हाइड्रोलिसिस या इक्वेशन की रिएक्शन है और ये जो रिएक्शन है, है ये है ये है एनेशन रिएक्शन जहां पर जो कोऑर्डिनेटेड वॉटर है वो रिप्लेस कर रहा है एनाइनिक लिगेंड को काइनेटिक्स ऑफ एनेशन रिएक्शन एनेशन रिएक्शन की काइनेटिक्स क्या होगी अब हमें ये देखना है एनेशन रिएक्शन जनरली एस एन वन मैकेजमें के थ्रू प्रोसीड होती है तो अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें अगर मैं यहां पर देखूँ, ये जो वॉटर मॉलिक्यूल जहाँ पर है वहां पर आप देखिए यहां आप देख सकते हैं कि ये अपने आयंस के साथ इक्विली मिलियम में मतलब ये देखिए ये फाइव कोऑर्डिनेटेड स्पेसीज बन गई और वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट हो गया तो ये दोनों स्पेसीज एक दूसरे के इक्विली में है यानी पहले स्टेप में क्या हो रहा है ये एक स्लो रिएक्शन है जहां पर ये जो ऑक्टाहीटल कॉम्प्लेक्स था जो कि सिक्स कॉर्डिनेटेड था वो एक फाइव कॉर्डिनेटेड स्पेसीज में कन्वर्ट हो रहा है जो कि एक स्लो स्टेप है तो ये वन मैकेनिज्म में आपने देखा है कि एक सिक्स कोऑर्डिनेटेड स्पीसीज़ एक फाइव कोऑर्डिनेटेड स्पीसीज़ में कन्वर्ट होती है फिर ये जो फाइव कोऑर्डिनेटेड स्पीसीज़ है ये स्पीसीज़ रिएक्ट करती है इस एनायनिक स्पीसीज़ के साथ और क्या बनता है प्रोडक्ट जो कि एक फास्ट स्टेप है तो पहला स्टेप क्या है डिसोसिएशन स्टेप और दूसरा स्टेप क्या है एसोसिएशन स्टेप ओके okay? हालांकि जो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट है ये जो प्रोडक्ट बना है ये किस पर डिपेंड करता है इस बी माइनस की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करता है क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये किस की प्रेजेंस में हो रही है वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में हो रही है यानी सॉल्वेंट जो है वो वाटर है एक्वस मीडियम में ये रिएक्शन हो रही है तो एक्वस मीडियम में जब ये रिएक्शन हो रही है तो एच भी है मीडियम में और ब्रोमाइड भी है दोनों है मीडियम में तो दोनों क्या करेंगे कंपीट करेंगे तो यहां पर जब भी ब्रोमाइड की कंसंट्रेशन हाई होगी तो ये रिएक्शन आसानी से प्रोसीड होगी तो ये रिएक्शन यानी इस प्रोडक्ट का बनना किस पर डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमाइड आयन ये देख रहे हैं कि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट है ये यानी सीओ एन एस थ्री होल फाइव बी आर टू प्लस इसके रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा के थ्री इन कंसेंट्रेशन ऑफ दिस पैंटाकोर्डिनेटेड स्पीसीज एड इन द कंसनट्रेशन ऑफ ब्रोमाइड आय तो ये इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा कितनी आसानी से ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमाइड एंड कंसेंट्रेशन ऑफ दिस पेंटा कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट स्पेसीज ओके तो पहले हम क्या देखेंगे बच्चों इस स्पीसीज के जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो क्या होगा पहले हमें इसके बारे में जानना है तो आप देखिए आप ध्यान रखिए कि यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो लिखा है वो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए के वन है और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए के टू है और इस रिएक्शन के लिए जो कॉन्स्टेंट है वो क्या है के थ्री है ओके okay? अब आप देखिए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीओ एन एस थ्री होल फाइव एस थ्री प्लस अब आप देखिए इस स्टेप में देखिए ये इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन तो वो किस पर डिपेंड करेगा देखिए के वन इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ दिस ओके बन रहा है अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में देखेंगे तो इसका क्या हो रहा है यूज हो रहा है ठीक है तो यूज हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा माइनस के टू इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ दिस ओके ऑफ दिस ओके और तीसरा देखिए तीन जगह ये क्या हो रहा है देखिए यहां पर ये बन रहा है अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखेंगे तो बन रहा है अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में देखेंगे तो यूज हो रहा है और अगर इस तीसरी रिएक्शन में देखेंगे तो अगेन यूज हो रहा है तो जहां पर ये यूज हो रहा है वहां पर माइनस में हम इसको दिखाएंगे और जहां पर ये बन रहा है वहां पर पॉजिटिव होगा तो इसलिए इसका जो रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा डी अपॉन डी इसका कंसेंट्रेशन वो क्या होगा के वन इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ दिस माइनस के टू इंटू कंसंट्रेशन ऑफ दिस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एच टू माइनस के थ्री इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी आर माइनस एंड कंसेंट्रेशन ऑफ सीओ एन एच थ्री होल फाइव थ्री प्लस तो आप जानते ही होंगे काइनेटिक्स को देखिए तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फाइव कोऑर्डिनेटेड स्पीसीज क्या आ जाएगा ये जो मैंने आपसे बोला ये आ जाएगा और अगर स्टीडी स्टेट की बात करें अगर स्टीडी स्टेट होगी तो ये क्या हो जाएगा ये जो रेट होगा ये क्या हो जाएगा जीरो और अगर ये जीरो होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों के वन और कंसेंट्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू के टू इंटू दिस प्लस के थ्रू के थ्री इंटू दिस तो जब हमें ये रिलेशनशिप मिल जाएगी देखिए हमें ये मिल गया है के वन इंटू पेंटा कोऑर्डिनेटेड स्पीसीज जो है अब हमें क्या निकालना है आपको पता है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू के थ्री इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ दिस एंड ब्रोमाइड ये कहां से आया था अगेन मैं आपको दिखा रही हूँ ये देखिए जो तीसरा स्टेप है ये कितना बनेगा यह डिपेंड करेगा कंसनट्रेशन ऑफ ब्रोमाइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ दिस ठीक है तो K3 अब आप देखिए मैंने लिखा हुआ है कि ये जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जो प्रोडक्ट है वो है के थ्री इंटू दिस इंटू दिस अब हमने इस इक्वेशन की हेल्प से किसका कंसेंट्रेशन निकाल लिया सी ओ एन एस थ्री फाइव थ्री प्लस वो हमें यहां पर चाहिए देखिए यहां पर हमने इसको यूज करना है तो वो हमारा यहां से कैलकुलेट होके आएगा कितना आ गया के वन इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ दिस दिस प्रोडक्ट अपॉन के टू इंटू एच टू प्लस के थ्री इंटू बी आर माइनस तो ये जो वैल्यू है इसकी ये जो वैल्यू आई इसको हमने यहां पर पुट कर दिया जब हमने यहाँ पर पुट किया तो हमें क्या मिल गया देखिए यह मिल गया के वन के थ्री सीओ एन एस थ्री होल फाइव बी आर प्लस बी आर माइनस अपॉन के टू एच टू प्लस के थ्री बी आर माइनस तो हमें ये मिल गया नहीं रेट ऑफ फॉर्मेशन जो इस प्रोडक्ट का हो रहा है वो किस किस पर डिपेंड कर रहा है अब ये किस पर डिपेंड कर रहा है या तो वाटर मॉलिक्यूल के कंसेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है या इस ब्रोमाइड आयन की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है तो अगर के टू एच टूओ अधिक ग्रेटर देन के थ्री बी आर यानी बी आर माइनस का कंसेंट्रेशन कम है और एच टू ओ का अधिक अगर कंसंट्रेशन है तो क्या होगा तो क्या होगा ये कम है इसको ये क्या हो जाएगा हट जाएगा ये हट गया क्योंकि ये कम है ये नेग्लिजिबल है तो ये जीरो हो गया एच टू क्या है वन है क्योंकि ये बहुत हाई कंसेंट्रेशन में है। तो आपके पास क्या रहेगा के वन के थ्री सीओ एन एस थ्री होल फाइव बी आर टू प्लस बी आर माइनस अपॉन के टू तो हमारे पास केवल इतना रह गया तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीओ एन एस थ्री होल फाइव बी आर टू प्लस वो क्या हो गया बच्चों वो हो गया जो कि किस पर डिपेंड कर रहा है कंसनट्रेशन ऑफ दिस एंड कंसेंट्रेशन ऑफ दिस तो ये सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा अगर वॉटर का कंसेंट्रेशन वॉटर का अमाउंट बहुत हाई है और प्रोमाइट का बहुत कम है तो जो रेट है वो सेकेंड ऑर्डर का होगा इसके फॉर्मेशन का लेकिन अगर के थ्री बी आर माइनस अधिक है और के टू एच टू ओ कम है मतलब अगर ब्रोमाइड का कंसेंट्रेशन हाई है और एच टू ओ का कम है तो क्या हो जाएगा ये तो रहेगा यानी के थ्री बी आर माइनस रहेगा और ये क्या हो जाएगा नेग्लिजिबल तो यहां पर क्या इक्वेशन रह जाएगी के वन के थ्री दिस दिस अपॉन के थ्री बी आर और बी आर माइनस से बी आर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास इक्वेशन क्या रह जाएगी हमारे पास इक्वेशन रह जाएगी K3 से K3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या रह जाएगी ऑफ दिस तो इस केस में क्या होगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी यानी अगर मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो इसका डिपेंड किस पर कर रहा है ब्रोमाइड की कंसेंट्रेशन पर तो, तो जितनी अधिक ब्रोमाइड की कंसेंट्रेशन होगी उतना देखिए फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है ओके एस एन वन मैकेनिज्म के थ्रू हो रही है और जितना जो है वो एच टू ओ का कंसेंट्रेशन अधिक है पानी पानी अधिक है सॉल्वेंट अधिक है ब्रोमाइड कम है तो ये सेकंड ऑर्डर का रेट इसका होगा तो इस तरीके से आपने देखा जो एनिशन रिएक्शन है वो किस तरीके से उसमें जो प्रोडक्ट का रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो सेकेंड ऑर्डर भी हो सकता है फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकता है और वो डिपेंड करता है कि जो एसिड हाइड्रोलिस था, था उसका जस्ट अपोजिट है यहां एनेशियन रिएक्शन में जो एनायन है जो कॉर्डिनेशन स्फेयर के अंदर है वो वॉटर मॉलिक्यूल को क्या करता है रिप्लेस करता है okay? तो ये जस्ट किसका अपोजिट है एक्वेशन रिएक्शन का अब ये जो रिएक्शन होती है वो एस एन वन मैकेजमे के थ्रू होती है लेकिन जो फॉर्मेशन है इस प्रोडक्ट का वो डिपेंड करता है कंसनट्रेशन ऑफ ब्रोमाइड यह क्योंकि ये भी लड़ रहा है और ये भी लड़ाई कर रहा है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कोबाल्ट के साथ कौन जुड़े ओके okay? तो इसलिए ब्रोमाइड की कंसेंट्रेशन पर भी डिपेंड कर रहा है और एक्चुअली uh, हम कह सकते हैं ब्रोमाइड की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है क्योंकि सॉल्वेंट तो वाटर रहेगा ही रहेगा ओके okay. और अगर हम इसकी काइनेटिक्स देखें तो हमने डिटेल में इसको स्टडी किया और हमने देखा कि अगर वाटर यानी सॉल्वेंट का कंसेंट्रेशन हाई है तो ये सेकेंड ऑर्डर रेट है और अगर ये बी आर माइनस का कंसेंट्रेशन uh, अधिक है तो ये फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट होगा ओके सो दिस इज ऑल अबाउट एनेशन रिएक्शन इट्स इट्स टिक्स ओके सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट दबूशन रिएक्शन विदाउट मेटल लीग एंड बॉन्ड क्लीवेज ओके तब तक के लिए आपका धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच